कहीं ये बुरा मान जाए कि यार अब तो तेरे पास जी आ गई है, अब मेरी तो वैल्यू नहीं रही। तो आज शाम को लगेगा इसमें एच के इंदौरी, जो स्टॉक एग्जॉस्ट में मजा सा नहीं आता यार। तो यार आप लोगों को अगर अच्छा लगता है ना कंटेंट ये, तो प्लीज़ कमेंट करा करो। तो पुलिस वाले यहीं पे ही खड़े होते हैं, या तो मैं इन पुलिस वालों से कोई सेटिंग कर लूँ पहले ही। उतना कैलकुलेटिव रिस्क तो मुझे लगता है लेना ही पड़ेगा। ओए होए होए होए, ये देखो गाड़ी, मज़ा आया ना देख के। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग डाइंग। क्या होता है, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सुबह के बज रहे हैं 10:30। आज दिखा नहीं पाऊंगा टाइम, क्योंकि वॉच जो है इसके अंदर जा चुकी है बड़ा, और मुझे 11 बजे पहुंचना है ऑफिस। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ लिविंग वेरी क्लोज टू योर ऑफिस, मेरे को 10-15 मिनट ही लगते हैं। और आज जो प्लान है ज्यादा, वो आज ये लगेगा, ऑफिस से वापस आके एच के लगाएंगे, एच के इंदौरी। एच जैसी मैंने बहुत सोचा कि मेरे को लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, बट देन चलो उसके बारे में बात करते हैं बाइक पे बैठ के। की वॉचिंग बड़ी सोर्सेस। ये खड़ी हमारी क्लासिक और ये खड़ी जी, और मैंने इसको कवर करके क्यों नहीं रखा। बाइक निकालें घर से बाहर, कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं इसको जी। हाँ चलो, तो मैं कह रहा था कि बहुत टाइम हो गया यार बाइक पे कुछ कराया नहीं मैंने, कहीं क्लासिक मेरी बुरी पूरा मान जाए कि सेंस अब इसकी सौत आ चुकी है ना। ये बुरा मान जाए कि यार अब तो तेरे पास जी आ गई है, अब मेरी तो वैल्यू नहीं रही। तो इसीलिए आई एम प्लानिंग कि इसमें एच के इंदौरी वापस लगाते हैं। और मैं देखता हूँ यार आते जाते बहुत लोग जो हैं अभी भी कोई लॉन्ग पंजाब शॉर्ट पंजाब इंदौरी लगा के घूमते ही हैं, तो वाई नॉट अस, हम भी लगाते हैं। अब प्रॉब्लम जो मेरे को दिखती है वो सिर्फ ये है कि जब मैं यहाँ से अपने सेक्टर से बाहर निकलता हूँ ना, तो पुलिस वाले यहीं पर ही खड़े होते हैं, या तो मैं इन पुलिस वालों से कोई सेटिंग कर लूं पहले ही। समझ रहे हो ना, ये बैठे देखो पीछे धूप सेक रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और अच्छा बात नहीं है, तो 99% ऑफ द टाइम तो यहाँ पे कोई भी चलान नहीं कट रहे होते जो मैंने देखा है, बट देन 1% कट भी रहे होते हैं। पर अब उतना कैलकुलेटिव रिस्क तो मुझे लगता है लेना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक एग्जॉस्ट में मजा सा नहीं आता यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, जी में तो लगेगा ही एरो। तो अभी हम जा रहे हैं ऑफिस, वेंसडे है, एक्सपेक्टेड है थोड़ी भीड़ मिलेगी। हवा इतनी ठंडी लग रही है, गुड़गांव में भी ऐसा लग रहा है, भिवाड़ी में बर्फ पड़ गई है। ओह माय गॉड, एमटी भी मेरा खराब हो चुका है ये वाला। इसके अंदर हुआ क्या, जो साइड में जिसके ऊपर आपका ये वाइजर चलता है ना, इसको कहते हैं रैचेट, और रैचेट जो होते हैं जिन स्क्रूज से लगे होते हैं इस हेलमेट के साथ, अरे कहना क्या चाहते हो, वो स्क्रूज ही निकल के गिर गए हैं इसके वाइब्रेट हो के। तो मेरे को सुनने में आया है कि दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम विद एम्प्टी हेलमेट्स। और यार आप लोगों को अगर अच्छा लगता है ना कंटेंट ये, तो प्लीज़ कमेंट करा करो। आप सब्सक्राइब करो या ना करो, दैट इज़ ऑल अप टू यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, इफ़ यू फील कि मैंने आपको अपने दिल से सारी बातें सच बताई हैं, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बट इन केस इफ इवन इफ यू डोंट सब्सक्राइब, प्लीज़ टेक आउट अ सेकेंड, 10-15 सेकेंड लगते हैं, आप कुछ कमेंट करके जाओ। निकाली जाए क्या, निकाल लेते हैं चलो, डर लगता है मुझे इनसे ना। ओए होए होए होए, ये देखो गाड़ी, मज़ा आया ना देख के। अंदर कौन बैठा है, कोई इन्फ्लुएंसर है क्या? आज की डेट में तो ऐसा लगता है कोई इन्फ्लुएंसर ही है। क्या बात है भैंस की, मज़ा ही आ गया। तो आज शाम को लगेगा इसमें एच के इंदौरी, जो पहले लग चुका है। मैं सारा बताऊंगा इंस्टॉलेशन करनी कैसे है, आपको टूल्स क्या चाहिए रहेंगे, और आप घर में अपने आप इंस्टॉल कर सकते हो इसके एग्जॉस्ट। एक या दो ही नट निकलते हैं सिर्फ, हम आपको चुतिया नहीं बना रहे हैं। वेरी इजी, ओनली टेक्स 10 मिनट्स। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एच के इंदौरी लगेगा कैसे,
एक रिक्वेस्ट और है यार आप लोगों से, प्लीज़ मेरी Z900 वाले कंटेंट को भी उतना ही प्यार दो जितना आप रॉयल एनफील्ड के कंटेंट को प्यार देते हो। दीज आर लाइक माई 2 bikes, my 2K. जब भी मैं रॉयल एनफील्ड के रिलेटेड कुछ भी कंटेंट बनाता हूँ तो अच्छा खासा चलता है, तो कमेंट ज़रूर करा करो यार। अच्छा, किसी ने मुझे बताया था कि हिमालयन 450 के उसने 2 बार टेस्ट राइड ली, 2 different टेस्ट राइड व्हीकल्स पे, और डिफरेंसेस वॉज ह्यूज। जैसे जो मुझे इशू आ रहा था कि लो एंड टॉक अच्छा नहीं है उसका, आई थिंक उसको नहीं लगा ये, तो एक बार वो भी करके देखते हैं, क्या पता सही में ही अच्छी हो। लोग हैं जो रॉयल एनफील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो इसीलिए मेरी रॉयल एनफील्ड वाली वीडियो चल जाती हैं। मुझे सेम या फिर ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल चाहिए जो Z900 में इंटरेस्टेड हो या लाइफ स्टाइल में इंटरेस्टेड हो, सो दैट मेरी बाकी वीडियोज़ भी चलें। तो कीप शोइंग योर लव, आप जो लोग हो कनेक्टेड हो, बहुत बहुत थैंक्स मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और आगे से इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, आगे से AC वाले पे आया करेंगे, डायरेक्ट तो किया आयशा भाई, यही लगा देते हैं हम भी। चलो शाम को मिलते हैं जब इस पर इंस्टॉल करेंगे HK इंदौरी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। वेलकम गाइज, आ गया मैं ऑफिस से वापस, और हमें क्या क्या टूल चाहिए रहेंगे पहले तो HK इंदौरी इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यू गाइज जस्ट मेक श्योर, मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ क्योंकि मेरा फेस दिखेगा तो ये उसको ही फोकस में रखेगा। तो दिस इज़ 12 mm, और दिस वन हेयर इज़ 13 mm। तो ये दो चाहिए रहेंगे, एक ये वाला जो 13 mm वाला है ये इसके नट को पकड़ेगा पीछे से और आगे से इसको हम अनस्क्रू करेंगे। एक ही आई थिंक बोल्ट है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं तामझाम इसका, वो निकलेगा, बाहर खींचेंगे, दूसरे वाला लगाएंगे और उसको नटको कर देंगे, दैट इज इट, बहुत सिंपल है। तो कीप वॉचिंग, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो ये है स्टॉक एग्जॉस्ट, इसकी आवाज़ सुनिए। बिट ऑफ अ क्रैकल हेयर एंड देयर, तो अब इसको हटाते हैं और लगाएंगे हम इसके अंदर HK इंदौरी, बट उससे पहले हम बिना एग्जॉस्ट के भी आवाज़ देखते हैं कैसी आएगी। ये निकल गया, आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाला नट खोलना है, दैट्स इट। अब एक बार बिना किसी एग्जॉस्ट के, किसी भी एंड कैन के बिना इसको चला के देखते हैं आवाज़ कैसी आती है। थोड़ी अजीब सी आएगी और मैं ज़्यादा रेव नहीं कर पाऊँगा, आस पास के लोग परेशान हो जाएंगे नहीं तो। फटाफट HK लगा लेते हैं अब इसमें, एक बंदा भी आराम से कर लेगा, आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। जैसे मैं बता रहा था कि पहली बार इसको स्क्रू अनस्क्रू करने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो कंपनी से थोड़ा ज़्यादा टाइट हो रखा होता है। अरे वाह, ये हो गया काम हमारा, अब आएगा द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, इसको हम छोड़ देते हैं अभी के लिए और इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, सो दैट आपको आवाज़ सही से सुनाई दे इसकी। एंड देयर यू हैव इट गाइज, इट वॉज दिस सिंपल। अगर आपके पास करेक्ट टूल्स हैं तो आप इस चीज़ को विद इन 5 मिनट्स कर सकते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ पहली बारी इट इज़ गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट, ये वाला नट खोलने में थोड़ी सी इशू आएगा, बट पोस्ट दैट इट इज़ गोइंग टू बी प्रिटी सिंपल। अगर आप इसको लेके रख लो, अपना जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसको भी अपने पास रखना, देना मत किसी को भी, बिकॉज इन केस अगर आपकी बाइक में कुछ भी इशू आ जाता है तो वारंटी क्लेम करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी बाइक को स्टॉक स्टेट में लेके ही सर्विस स्टेशन पे जाओ, वरना वो कुछ ना कुछ इशू क्रिएट कर सकते हैं कि आपने बाइक के साथ छेड़खानी करी है, इसीलिए आपकी वारंटी जो है वो वॉइड हो चुकी है। तो इसीलिए प्लीज़ डोंट सेल योर स्टॉक एग्जॉस्ट, और ये वाला मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप करोलबाग से ख़रीदने के बजाय आप अमेज़ॉन से ख़रीद लो, इतना बेनिफिट नहीं होता जितना आपका ऑयल लग जाएगा। और अगर आपको कंटेंट ही क्रिएट करना तो आप घर में बैठ के भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो अब कुछ दिन रखेंगे हम इसको ही, अगर कोई पुलिस का मुझे लगता है कोई पंगा होता है देन आई विल प्लान ऑन रिमूविंग इट। अगेन रिमूव करना लगाना इट इज़ जस्ट अ 5 मिनट थिंग, कुछ नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप मुझे क्या रिकमेंड करते हो, क्या मैं स्टॉक एग्जॉस्ट लगाऊं या फिर मैं HK इंदौरी ही रखूं, प्लीज़ कमेंट एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।